इस वीडियो में हम बात करेंगे लो वैल्यू कंटेंट के बारे में। अगर आपने भी अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा है और आपका जो ब्लॉग है वो इस वजह से रिजेक्ट हुआ है कि उसमें लो वैल्यू कंटेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आज आपका इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके ब्लॉग में ये जो लो वैल्यू कंटेंट है ये क्यों आता है और इसके सॉल्यूशन क्या है। मतलब मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगी कि किस किस वजह से आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ सकता है, प्लस मैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो आप अपने ब्लॉग में ठीक करके वापस गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो आपको 110% गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। आज जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी नए ब्लॉगर हैं, इवन ऐसे ब्लॉगर भी हैं जिनने ऑलरेडी एडसेंस लिया है लेकिन उन्होंने अपना सेकंड ब्लॉग बनाया है, उन्होंने भी लो वैल्यू कंटेंट का ये एरर फेस किया है। तो देखिए, टाइम चेंज हो रहा है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो उस वजह से गूगल की कुछ पॉलिसीज भी चेंज होती हैं। तो मैंने कई साइट अभी अप्रूव्ड कराई हैं, बहुत सारी ऐसी साइट थी जिसमें लो वैल्यू कंटेंट का इशू था, उनका इशू सॉल्व करके मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है और उस बेसिस पे जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर इसी चेकलिस्ट को आप कवर करके चलते हैं तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन गूगल एडसेंस अप्रूवल का मिल जल्दी देखने मिलेगा। अगर अभी भी आपको यू नीड टू फिक्स सम इशू बिफोर यू योर साइट इज रेडी फॉर एडसेंस वाला एरर आ रहा है, तो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि ये वीडियो फॉलो करने के बाद योर साइट इज नाउ रेडी फॉर सर्व एडसेंस एड वाला मेल आपको जरूर आएगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू क्यों आता है। तो देखिए, जो सबसे बड़ा कारण है लो वैल्यू कंटेंट का वो खुद आपका कंटेंट है। मतलब कि आपके कंटेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। अब वो क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा एस्टिमेशन है, इस एस्टिमेशन के बेसिस पे आप जाओगे तो 99% तो भाई आपका लो वैल्यू कंटेंट का सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जितनी साइट पे मैंने वर्क किया और जितनी साइट को मैंने एनालाइज किया है उस बेसिस पे तो ये एरर मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला क्या है, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब मेरा ये है कि देखिए, बहुत सारे ब्लॉग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत कम लेंथ के आर्टिकल लिखते हैं। अगर आपने न्यूज़ ब्लॉग बनाया है तो आप छोटा आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगी अगर आपने न्यूज़ ब्लॉग भी बनाया है ना, तभी एडसेंस लेने के पहले आप थोड़ा सा वर्ड काउंट बढ़ाइए। और मैं अब बात कर रही हूँ नॉर्मल ब्लॉग्स की। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अपने किसी एक निश ब्लॉग बनाया है, किसी एक पर्टिकुलर निश पे ब्लॉग बनाया है, तो जब तक आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता ना, आप क्या करें, आप 1000, 1200, 1500 वर्ड के आर्टिकल लिखिए, इससे नीचे वर्ड काउंट मत करिए, है ना। आपने एक ब्लॉग बनाया, आपने उसका डोमेन लिया, आपका जो पहला आर्टिकल है ना, आपका पहले आर्टिकल से जो आप 15-20 आर्टिकल लिखेंगे उसके बाद गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेंगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको 1000, 1200, 1500 वर्ड तक के आर्टिकल लिखने हैं। तो मिनिमम वर्ड काउंट जो है वो मैंने आपको बता दी, इतनी रखनी है। इसके बाद क्या है कि लोग उस टॉपिक पे लिखते हैं जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे सर्चेस हैं। मैं आपको बता देती हूँ, सपोज एक कीवर्ड है ब्लॉग क्या है, चलिए इसी कीवर्ड पे हम बात करते हैं, ब्लॉग क्या है। अब देखेंगे ये जो कीवर्ड है इस पे इतने सारे रिजल्ट ऑलरेडी गूगल के पास है। जब ब्लॉग क्या है पे उसके पास इतने सारे ब्लॉग हैं, अब देखें ब्लॉग क्या है, है ना, ये देखिए हिंदी में डॉट ने ब्लॉग एंड ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉग क्या है, ब्लॉग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है। आप यहाँ पे चले जाओगे ना, आपको कम से कम 500-600 रिजल्ट मिल जाएंगे ब्लॉग क्या है इसी कीवर्ड पे। जब इस कीवर्ड पे इतने सारे ब्लॉग हैं, अगर आप भी आर्टिकल लिखते हो ब्लॉग क्या है, तो आपको 110% लो वैल्यू कंटेंट का इश्यू आएगा। अगर इस टॉपिक पे आप लिखोगे तो आपको लो वैल्यू ही मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी ये कंटेंट बहुत सारा है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, उसके पास बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है, तो इसकी अब जरूरत नहीं है, आप इस टॉपिक पे मत लिखो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखो भाई ब्लॉग क्या है इस पे जाएंगे, हाँ भाई इनको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला है मतलब मुझे भी मिल जाएगा, तो वो भी इसी टॉपिक को लिख देते हैं। बहुत सारे लोग तो इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, स्पिन कर देते हैं, रीराइट कर देते हैं, या इसको पढ़ते हैं अपने शब्द में लिख देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है, क्योंकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, इस पे आपको नहीं लिखना। आपको किन टॉपिक पे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको लिखना है यूनिक टॉपिक पे, वो टॉपिक जो इंटरनेट में नहीं है। यहाँ पर आपको जीरो रिजल्ट दिखने चाहिए, यहाँ पे जीरो रिजल्ट, टू रिजल्ट, थ्री रिजल्ट, 10 रिजल्ट दिखने चाहिए, उन टॉपिक पे आपको लिखना है। जब आप ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखोगे ना, तो गूगल के लिए वो यूजफुल होंगे। वो यूजफुल इसलिए होंगे
क्योंकि वो कंटेंट गूगल के पास नहीं है और वो कंटेंट आप उन्हें दे रहे हो, तो आपका जो ब्लॉग है वो कहीं ना कहीं गूगल के लिए यूजफुल ब्लॉग होगा। और इसके दो फायदे हैं, उसका दो फायदे ये है कि सबसे पहले तो आपको एडसेंस अप्रूवल गूगल दे देगा और दूसरा आपकी अथॉरिटी भी दे देगा। वो इसलिए आपको अथॉरिटी देगा क्योंकि आप उसे वो कंटेंट देते हो जो गूगल के पास नहीं है, मतलब इंडायरेक्टली आप गूगल की मदद कर रहे हो। अब वो यूनिट टॉपिक कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि सपोज आपकी निश है, जैसे कि मेरी एक क्लाइंट की निश थी भोजपुरी, भोज मतलब उन्होंने एक बायोग्राफी ब्लॉग बनाया था तो भोजपुरी बायोग्राफी पे बनाया था। तो जैसे चलिए ये एक अलग निश है, आप कोई भी एक निश ले लीजिए, जैसे कि पैसे घर बैठे कैसे कमाए, है ना, कैसे कमाए, आप ये वाला ले लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर अभी कितने रिजल्ट है, इतने सारे रिजल्ट हैं। अब ये जो पीपल और स्वास्थ्य है ना, यहाँ पे आपको काफी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलते हैं और ये वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल आपको खुद सजेस्ट कर रहा है कि लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, है ना। तो आप भी ऐसे कीवर्ड पे लिखिए या फिर आप क्वेरा पे चले जाइए, वहां पे भी आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड मिल जाते हैं। जैसे कि अब देखेंगे सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ऐप काम आता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है। क्या मैं भारत में वीडियो देखकर पैसे कमा सकता हूँ, सपोज अगर हम इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह के कीवर्ड की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि किस तरह के कीवर्ड पे आपको लिखना है। ये पीपल और स्वास्थ्य से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ये मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे सर्च करूंगी क्या मैं भारत में वीडियो देखकर पैसे कमा सकते हूँ, और मैंने इसे सर्च किया। अब देखेंगे इसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं और वीडियो देखकर पैसे कमाने वाला ऐप डाउनलोड करें थोड़ा अलग लिखा है, इसको आप डबल कोट करिए और एंटर करिए। अब देखेंगे यहाँ पर 63 रिजल्ट है, अब देखेंगे रिजल्ट कम हो गए ना। अब आपको ऐसे ही मतलब आपको ऐसे ही देखिए ये कौन सा ऐप फ्री में रियल मनी देता है, भारत में नंबर वन पैसे कमाने वाला ऐप कौन सा है, कौन सा ऐप वीडियो देखने के बाद पैसा देता है, 50 रुपए प्रतिदिन कैसे कमाए, जैसे ये कीवर्ड है, ठीक है, इस कीवर्ड को कॉपी करिए। ये कीवर्ड रिसर्च करना मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आपको किन कीवर्ड पे काम करना है जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये कीवर्ड है, ये मैंने किया, इसमें अभी इतने रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसे डबल कोट करिए, डबल कोट से आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखेंगे वन रिजल्ट और किसी ने नहीं लिखा है ना, तो ऐसे कीवर्ड पे लिखना है आप 50 रुपए प्रतिदिन कैसे कमाए, इस पे आपको कम से कम 1000-1500 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, प्रॉपर हेडिंग बनानी है। मतलब एक रिजल्ट है तो आप रैंक हो सकते हो। और मैं मतलब यूनिक कीवर्ड कैसे फाइंड करें इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतने से आपको मैं कीवर्ड रिसर्च करना नहीं सिखा सकती। मैं एक आपको आइडिया दे सकती हूँ कि यहाँ पे 1, 0 से 10 तक अगर रिजल्ट दिख रहे हैं ना, आप लिख दीजिए 0 से 10 में। अगर आप अच्छा क्वालिटी आर्टिकल लिखोगे तो आप फर्स्ट पेज पे रैंक होगे, आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलेगा, आपको एडसेंस अप्रूवल भी मिलेगा। लेकिन ये कीवर्ड कैसे रिसर्च करना मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, मैं इसमें नहीं समझा सकती। ये आइडिया दिया है कि आपको ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड कवर करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिक टॉपिक पे लिखने वो टॉपिक जो इंटरनेट में नहीं लिखे गए। इसके बाद ऐसा नहीं कि बाबा आदम के जमाने की आपने कीवर्ड उठा लिए, उस पे तो लिखा ही नहीं गया होगा, वैसा नहीं। आपको आपकी जो निश है ना, उस निश में वो कीवर्ड फाइंड करने हैं, मतलब उस निश से रिलेटेड वो कीवर्ड फाइंड करने हैं, और उस कीवर्ड में आपको देखना है कि ये कितने वैल्यूएबल है, कितने यूजफुल है। तो आपको क्या करना है, यूजफुल टॉपिक पे लिखना है, यूनिक तो लिखना ही है लेकिन वो यूजफुल होना चाहिए। अब देखो 50 रुपए प्रतिदिन कैसे कमाए, थोड़ा बहुत यूजफुल है, लोग कमाना चाहेंगे भाई 50 रुपए ही प्रतिदिन आ जाए तो महीने के मुझे कितने हो जाते हैं, 1500 हो जाते हैं, तो 1500 रुपए महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये अगर यूजफुल है तो ऐसे ही थोड़े से यूजफुल जो आपकी ऑडियंस के लिए, मतलब मेक मनी जो पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए यूजफुल है, तो ऐसे जो आपकी ऑडियंस है, आपकी निश बेस्ड जो ऑडियंस है उसके लिए जो यूजफुल है टॉपिक है उस पे आप आर्टिकल लिखिए। इसके बाद जो है गुड टाइटल, मतलब कि देखिए नॉर्मल टाइटल नहीं लिखना है आपको, आपको ना अट्रैक्टिव सा टाइटल बनाना है। वो बहुत बोरिंग हो गया है, ब्लॉग क्या है, कैसे बनाए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लॉग, लिस्ट ऑफ 3 best blog, नहीं, आपको ना अट्रैक्टिव से टाइटल बनाना है, उसमें आपको क्लिकबेट नहीं लिखना है। आपका जो भी आपने जो भी कीवर्ड रिसर्च कर लिया उसमें ना ऐसा टाइटल बनाइए जो बहुत अट्रैक्टिव लगे गूगल, मतलब वो चलेगा, वो एक लाइन से ज्यादा का होगा चलेगा, लेकिन आप अच्छा सा टाइटल बनाए। इसके लिए आप किसी भी अच्छी अच्छी साइट को जाके देखिए वो लोग कितने अच्छे से टाइटल बनाती है, तो वैसा आपको एक टाइटल बनाना है।
फिर आपको क्या करना है उस टाइप, मतलब जो आपको, देखो आपको कीवर्ड मिल गया, आपने उसका टाइटल बना लिया, अब आप उसकी कंटेंट की थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, यहाँ वहां से पढ़ लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, ब्लॉग्स पढ़ लीजिए, आपका खुद का नॉलेज लगाइए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। उसके बाद आप अपने कंटेंट की क्या करेंगे, हेडिंग्स बना लीजिए कि आपको किन किन हेडिंग्स में उसे डिवाइड करना है। आपको फर्स्ट 100 वर्ड लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको मेन H2 हेडिंग बनानी है, उसके बाद फिर आपको H3 क्या बनाना है, फिर H4 क्या बनाना है, वो हेडिंग डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद स्मॉल पैराग्राफ लिखिए, देखिए ब्लॉग क्या है। अगर जैसे कि मैं इनके ब्लॉग पे जाती हूँ, अब ये गूगल के नंबर 1 पे रैंक हो रहा है, तो इन्होंने शायद ये ट्रिक्स फॉलो की होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे मैं इन्हीं के ब्लॉग पे जाती हूँ, तो आप देखेंगे कि इतना इतना पैराग्राफ लिखा है, फिर ये 2 लाइन से एक पैराग्राफ लिखा है, फिर ये देखिए छोटा, मतलब आपका जो ब्लॉग है वो रीडेबल होना चाहिए। अब क्या, मैंने कुछ ब्लॉग ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे लास्ट तक पूरा पैराग्राफ ही लिख देंगे। वैसा नहीं करना, वैसा ना आप भी नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा लंबा पैराग्राफ रहेगा आपके सामने, तो आप भी आधा पढ़ोगे और बाउंस बैक कर दोगे, तो वो यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर देगा। ये देखो इन्होंने हेडिंग बनाई है, फिर उन्होंने पैराग्राफ लिखा है, फिर पैराग्राफ लिखा है, फिर छोटा सा पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ। अब देख रहे हैं इन्होंने यूजर फ्रेंडली बनाया है, ऐसे किसी भी साइट में आप जाके देख लीजिए, देखो यहाँ पे इन्होंने यूजर फ्रेंडली बनाया है, फिर उसी से रिलेटेड इन्होंने इंटरनल लिंक किया है, फिर उन्होंने हेडिंग दी है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, क्या करना है कि स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में लिखना है, प्रॉपर हेडिंग H1 H2 H3 में डिवाइड कर देना है। अब आपको क्या करना है कि यूजर के इंटेंट को सेटिस्फाइड करना है। देखिए कचरा वाला काम तो बिल्कुल मत करिए, है ना। आप ब्लॉग कर रहे हो ना, ब्लॉग के जो आर्टिकल होते हैं ना, ये आपकी एसेट है। अब ब्लॉग क्या है, ये जो गूगल पे नंबर 1 पे इसका रैंक कर रहा है ना, ये इसकी एसेट है, ये इसको कमा के दे रही है पैसा। तो जब आपका एक आर्टिकल आपको पैसे कमा के दे सकता है, तो उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसे यूजफुल बनाना है। तो आप देखिए ब्लॉग क्या है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। कोई है जैसे कि मैं हूं, मैं नहीं जानती हूँ ब्लॉगिंग के बारे में, और मैं गूगल से पूछ रही हूँ कि ब्लॉग क्या है। तो मेरा इंटेंट है जानना कि भाई मुझे बता दो कि ब्लॉग क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे बता दो। तो ये जो मेरा इंटेंट है, क्योंकि मेरा इंटेंट होगा कि मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, ब्लॉग से पैसे कमाने का मैंने कहीं सुना है, इसलिए मैं सर्च कर रही हूँ। तो वो जो इंटेंट है आपके यूजर का इस कीवर्ड से, वो इंटेंट आपके ब्लॉग में सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब ब्लॉग क्या है, मैंने सर्च किया, ये मैंने आर्टिकल देखा, तो इससे मुझे एग्जैक्टली पता चल गया भाई कि ब्लॉग क्या होता है। अच्छा ब्लॉग से पैसे भी कमाए जाते हैं, अच्छा ब्लॉग इतने प्रकार के होते हैं, अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो मेरा इंटेंट क्लियर हो गया। ऐसे क्या करना है आपको, आपके यूजर का इंटेंट सेटिस्फाइड करना है, उसे वैल्यू देना है, वो जो जानना चाहता है, वो जो जानने के लिए आपके ब्लॉग पे आया है, वो कम्प्लीट उसे इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। इससे आप लॉन्ग लास्टिंग तक ब्लॉगिंग कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे और गूगल में रैंक होंगे अगर आप ये चीज फॉलो करेंगे। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। देखिए आपके कॉम्पिटिटर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत क्लासिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप अगर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिशन को बीट करना चाहते हैं, टाइम टू टाइम आ रहे गूगल एल्गोरिथम अपडेट से बीट करके हमेशा ऊपर ही जाना चाहते हैं और रैंक करना चाहते हैं, पैसे लॉन्ग लास्टिंग कमाना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा समय दीजिए। आपने जो भी कीवर्ड लिया है, उस कीवर्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप अपने आर्टिकल में कवर करिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, एक्यूरेट लिखिए। जबरदस्ती मैंने यहाँ पे बोला आपको 1000-1200 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, तो जबरदस्ती वर्ड लेंथ मत बढ़ाइए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, एक्यूरेट लिखिए, हो सके तो हेडिंग्स बढ़ा लीजिए, FAQ ऐड कर लीजिए, लेकिन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए। इंगेजिंग बनाइए, आपका जो आर्टिकल है उसे एंगेज करने के लिए आप इमेजेस लगाइए, वीडियोस लगाइए। अभी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला, आपकी खुद की वीडियोस नहीं है ना, तो आप मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉपीराइट फ्री इमेजेस लगाइए। मतलब आपको अभी कोई कॉपी कंटेंट यूज नहीं करना है, तो आप क्या करिए कि कॉपीराइट फ्री इमेजेस बनाइए। आप कैनवा से बना लीजिए, कैनवा में बहुत अच्छी इमेजेस आप बना सकते हैं। टेबल लगाइए, मैंने देखा है कि कुछ ब्लॉग में जो लोग ना टेबल के थ्रू समझाते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो ब्लॉग रैंक हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं टेबल भी यूज करते हैं। तो जैसे कि ये ब्लॉग है, इसमें वो कोई टेबल की अगर जहां जरूरत हो, टेबल की जरूरत हो, चार्ट के थ्रू समझाना हो, अगर आप अपने ब्लॉग में वो बनाते हो ना, तो गूगल की तरफ से ना वो बहुत हाई क्वालिटी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हर इंसान वो नहीं करता है। तो जहां जरूरत हो उसमें आप टेबल के थ्रू समझाइए, जैसे कि फ्रीलांसिंग, मतलब घर बैठे पैसे कैसे कमाएं,
तो कुछ लोग लिखते हैं कि फ्रीलांसिंग से कमाए इतना, यूट्यूब से कमाए इतना, मतलब टेबल फॉर्म में बना देते हैं, कुछ चार्ट से समझा देते हैं। तो अगर आप इमेजेस, वीडियो, टेबल, चार्ट अपने आर्टिकल में डाल रहे हो ना, तो उसकी वर्क बहुत इंप्रूव हो जाती है और सीरियसली आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस होते हैं। कुछ टाइम के लिए आप एडसेंस को भूल जाइए और आप देखिए कि ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है ब्लॉग का, इसमें जो मुझे 20 आर्टिकल लिखने हैं और ये 20 आर्टिकल मुझे हाई क्वालिटी लिखने हैं कि मुझे अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में सबमिशन करना है, प्रेजेंटेशन देना है, लोगों को वहीं बैठ के मुझे उसको सामने आर्टिकल रख के समझाना है। जो एक्यूरेसी उस लेवल पे आती है, वही एक्यूरेसी आपको अपने ब्लॉग में डालनी है। आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि इस टॉपिक पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, विथ आप चार्ट लगाओ, टेबल लगाओ, उस टॉपिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो, फिर आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो ये वहां पर आप जितनी मेहनत करोगे ना ब्लॉग लिख, मतलब वो तैयार करने में प्रोजेक्ट, उसी मेहनत से आप अपना एक ब्लॉग आर्टिकल लिखो। अब यकीन मानो 15 से 20 आर्टिकल आप उतनी ही मेहनत करके लिख लो, आपको 110% एक ही बार में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। गूगल खुद इतनी क्वालिटी आर्टिकल देख के ना एक बार में अप्रूवल दे देता है। लोग करते ही नहीं है ना, लोग बकवास लिख देते हैं और बकवास लिख के भेज देते हैं, तो बकवास के लिए तो लो वैल्यू कंटेंट का एरर ही आएगा ना, वो गार्बेज है। अब देखिए, जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उसकी इंटरनल लिंक रिलेटेड आर्टिकल से करिए। अब रिलेटेड आर्टिकल, चलो इसमें ही बता देती हूँ मैं, इनका ब्लॉग यूज कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पर ये टॉपिक किसमें था, ब्लॉग क्या है। अब ब्लॉग क्या है पे इनका जो इंटरनल लिंक है, वेबसाइट कैसे बनाए। अब भाई ब्लॉग से ही तो वेबसाइट बनती है, कितना रिलेवेंट है। ब्लॉग कैसे बनाए, जो जानना चाहता है ब्लॉग क्या है वो ये भी जानना चाहता होगा कि ब्लॉग कैसे बनाए, है ना। तो ये रिलेवेंट इंटरनल लिंक बोलते हैं, मतलब इसमें क्या है कि नॉर्मली यूजर इस पे क्लिक करके जा सकता है। तो देखो भाई का पेज व्यू भी बढ़ेगा, है ना, एडसेंस अर्निंग भी बढ़ेगी और इससे उसके रैंकिंग भी बढ़ेगी, क्योंकि गूगल यूजर के बिहेवियर को चेक करता है। जब कोई यूजर आपके आर्टिकल में आता है तो उसने कितना पढ़ा, कितनी देर तक वो आपकी वेबसाइट पे रुका, कितने पेज व्यू एक्स्ट्रा विजिट किए, ये सारा बिहेवियर गूगल चेक करता है। अगर कोई यूजर आपके ब्लॉग में आया और उसने टाइम स्पेंड किया, उसने दूसरी लिंक पे क्लिक करके उस आर्टिकल को भी पढ़ा और अगर उसने किसी के साथ शेयर किया, तो इससे आपके आर्टिकल को बहुत वैल्यूएबल माना जाता है और आप देखेंगे यूजर बिहेवियर के बेसिस पे आपके आर्टिकल गूगल में रैंक हो जाते हैं, आपको बैकलिंक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। यूजर देखिए, गूगल का जो कमाई का सोर्स है वो है यूजर। अगर आप उसके यूजर को खुश कर रहे हो ना, तो गूगल आपको खुश कर देगा। तो आपको यूजर को फोकस करना है, गूगल आपको फोकस कर लेगा। लोग गूगल पे ढूंढते हुए अगर आपके ब्लॉग को आ गए, क्यों सब लोग बोलते हैं वेब मेंशन करो, वेब मेंशन करो, अपने ब्लॉग के बारे में बताओ। गूगल पे सर्च कर रहा है अगर इंसान कोई आपको, आपके ब्लॉग को, तो वो ब्लॉग गूगल उठा के वैसे भी ऊपर ही रख देगा, मतलब आपकी रैंकिंग बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि गूगल को चाहिए उसके यूजर को जो चाहिए वो गूगल को चाहिए। तो आपको यूजर को फोकस करना है, गूगल आपको रैंक दे देगा। इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो ये आपको लो वैल्यू कंटेंट मेरी तरफ से गारंटेड आपको नहीं आएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अलावा कंटेंट, अब कुछ लोग ना ये कर रहे हैं फिर भी उनको लो वैल्यू कंटेंट का इशू आया, तो उसके भी थोड़े से पॉइंट्स है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या बताया, ब्लॉग डिजाइन। अब सब बहुत क्वालिटी आर्टिकल लिख लिया, लेकिन क्या किया, ब्लॉग डिजाइन में गड़बड़ कर दी। इतना फालतू डिजाइन मैंने देखा है, लोगों ने इतना फालतू डिजाइन किया है, आर्टिकल क्वालिटी है लेकिन ब्लॉग डिजाइन नहीं। तो आप कुछ मत करिए भाई, आप सिंपल डिजाइन रखिए, सिंपल जनरेट प्रेस की थीम यूज कर लीजिए। आप क्या करिए, आप अपना हेडर बना लीजिए, आप अपना हेडर बना लीजिए, यहाँ पर पोस्ट बना लीजिए, साइड बार बना लीजिए, फुटर बना लीजिए, सिंपल है ना, सिंपल बना लीजिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये डिजाइन थोड़ी गंदी बनी है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मेन्यू आ जाएगा, यहाँ साइड बार आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगी, यहाँ पे फुटर आ जाएगा, सिंपल। ये हटा देती हूँ मैं, ठीक है। सिंपल आप अपना ब्लॉग डिजाइन रखिए, या फिर आप चाहे तो आप अपना कस्टम होम पेज बना लीजिए। कस्टम होम पेज मतलब आप अपना होम पेज डिजाइन कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो, लेकिन बहुत ज्यादा काला पीला नीला मत करिए, बहुत ज्यादा फंकी मत बनाइए। एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद आपको जैसा डिजाइन करना है करिए। कुछ लोग स्लाइड शो करते हैं, अरे मत करिए, पहले एडसेंस अप्रूवल ले लीजिए, उसके बाद आप अपने ब्लॉग की डिजाइन करिए। अब मेन्यूज
जो ऊपर मेन्यूज होते हैं ना, मतलब जैसे चलिए इन्हीं के ब्लॉग में देखते हैं, ये जो मेन्यूज होते हैं ना, ये मेन्यूज प्रॉपर बनाइए। देखिए यहाँ पर आप अपना साइट का नाम दे दीजिए, है ना, और यहाँ पर आप आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है यहाँ पर कैटेगरी दे दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे पेजेस डाल देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस अबाउट अस, वो सब यहाँ मत दीजिए। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी दे दीजिए और ये सर्च का आइकॉन दे दीजिए बस। ये नीचे जो होता है ना, नीचे यहाँ पर इन्होंने चलो सोशल मीडिया लिख के दिए, यहाँ नीचे ये अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ नीचे आप दे दीजिए। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर का पेज भी आप दे दीजिए। इन्होंने तीन ही पेज दिए, इनका एडसेंस अप्रूव्ड है, ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप तीनों पेजेस दे दीजिए, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और ऊपर क्या करिए, आप ऐसे यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी बता दीजिए। तो ये प्रॉपर मेन्यू सेट करिए, प्रॉपर विजिट सेट करिए। विजिट्स का मतलब यही होता है कि ये देखिए, ये आपने कैटेगरी बना दी, साइड बार बना दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ रीसेंट पोस्ट के नीचे रीसेंट पोस्ट आती है, फिर यहाँ पे ऑथर आ जाएगा, आर्चीव आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा और सब खाली। मतलब रीसेंट कमेंट की यहाँ पर विजिट्स हैं और वो खाली, फिर नीचे यहाँ पे कमेंट की विजिट है वो खाली, मतलब और क्या, और भी कुछ चीजें, आर्चीव है खाली, कैटेगरी है खाली। वैसा नहीं करना, यहाँ से ये साइड बार में ना आपको सिर्फ रीसेंट पोस्ट रखना और सब डिलीट कर देना और कुछ भी मत रखिए। तो आपको ना प्रॉपर विजिट सेट करना है। इसके बाद प्रॉपर फुटर सेट करना है, तो फुटर भी आप नॉर्मल सेट कर लीजिए, उसमें आप पेजेस शो कर दीजिए, कॉपीराइट शो कर दीजिए। साइड बार आपको बनाना है बनाइए, होम पेज अगर होम पेज कस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो आपको साइड बार नहीं बनेगा, नॉर्मल पोस्ट पेज में तो साइड बार रहता है, तो आप साइड बार बना दीजिए। कोई भी विजिट्स खाली नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ साइड बार में ना यहाँ पे आर्चीव कैटेगरी लिखे रहते हैं और वो खाली रहते हैं, तो ऐसी कोई भी विजिट्स आपकी खाली नहीं होनी चाहिए, कोई भी कैटेगरी खाली नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे कि ये कैटेगरी पे मैं क्लिक करूंगी और आ जाएगा नो कंटेंट, ये कैटेगरी पे क्लिक करूंगी नथिंग फाउंड, ऐसा नहीं। कोई भी कैटेगरी जो है ना, हर एक कैटेगरी में 3 से 4 पोस्ट होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी को खाली नहीं करेंगे। किसी लिंक पे क्लिक किया, 404 का एरर दे दिया, भाई 404 का एरर दोगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। मतलब जैसे कि ये कोई लिंक है, मैंने अब देखिए ये इंटरनेट, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूंगी, तो इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मैं किसी आर्टिकल पे ही गई ना, यहाँ पे ऐसा तो नहीं आया नथिंग फाउंड, तो ये 404 का एरर आपको नहीं देना। अब क्या करते हैं कुछ लोग, YouTube पे बहुत चलन है एपी के साइट बनाने का। अब लोगों ने एपी के साइट बना के रखी है, उसमें उन्हीं की डाउनलोड लिंक दे दी है, तो भाई इतनी स्पैमी लिंक डाउनलोडेबल देंगे ना, तो यूजर का वैसे ही आप बैंड बजा रहे हो, गूगल आपके सामने हाथ जोड़ लेगा। तो आपको डाउनलोड लिंक नहीं देनी है। आप अगर किसी ऐप के बारे में बता रहे हो, अगर आपकी निश मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पे आपने ब्लॉग बनाया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, उसकी डाउनलोड लिंक मत दो। एडसेंस अप्रूवल मिलने तक तो आप ऐसी कोई लिंक मत दो जो आपकी गूगल की पॉलिसी को वॉयलेट करता हो। तो डाउनलोडेबल लिंक से थोड़ा सा दूर रहो, है ना। और एक्सटर्नल लिंक सोच समझ के दो, अच्छी वेबसाइट को दो, किसी भी स्पैमी वेबसाइट को, किसी भी जुगाड़ तुगाड़ यूजर को बुलाने के लिए कोई जुगाड़ तुगाड़ वाला आर्टिकल लिख दिया, उस पे उसी जुगाड़ तुगाड़ वाले सॉफ्टवेयर की लिंक दे दी, ऐसा मत करो। ये सब यूजर के खिलाफ है, यूजर पॉलिसी के खिलाफ है। अब क्या है, लोग थीम में भी आज भी इतना मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे होने के बाद भी लोग थीम गड़बड़ लगा रहे हैं। कुछ लोग अच्छी डिजाइन के लिए एलिमेंटर यूज कर रहे हैं, चलो ठीक है एलिमेंटर यूज करो, लेकिन एलिमेंटर जो फ्री वाला है ना, वो बहुत हैवी है, आपकी वेबसाइट को हैवी कर देता है, आपकी वेबसाइट वहां पर लोड ही नहीं होती है, जब खुलेगी नहीं तो गूगल के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो बहुत 1 घंटे तक आपकी वेबसाइट के लिए वेट करेगा और विजिट करेगा। नहीं खुली 3 सेकंड, मतलब जितना भी उनका 30 सेकंड होता है उसमें नहीं खुली आपकी वेबसाइट को, वो नथिंग फाउंड या वेबसाइट नॉट फाउंड करके वो चले जाते हैं, क्रॉलर्स होते हैं। तो आप लाइट वेटेड थीम यूज करो। लाइट वेटेड देखिए, जनरेट प्रेस पूरे में तो सबने बताया हुआ है कि जनरेट प्रेस थीम यूज कर लो। कितने एडसेंस अप्रूवल ले लिए हैं जनरेट प्रेस थीम में, तो आप जनरेट प्रेस थीम यूज करो, आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। या कोई भी लाइट वेटेड थीम यूज कर लो, है ना, जो बहुत 30 सेकंड के अंदर, मतलब बहुत 30 KB, शायद 30 KB की होती है, मोबाइल में भी मोबाइल फ्रेंडली, SEO फ्रेंडली, लाइट वेटेड है, फ्री वर्जन भी है, फ्री वर्जन यूज कर लो। पेड वर्जन चाहिए होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं ये सारी चीजें आपको देती रहती हूँ फ्री में। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन है तो वहां पे मुझे मैसेज कर दो, आप मुझसे थीम ले लो, आप वो थीम यूज कर लो, ठीक है। आपका मोबाइल व्यू अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों का ना जो ब्लॉग है वो
वो बोलते हैं मैम डेस्कटॉप पे तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन मोबाइल में खोला है तो कुछ सारे मेन्यूज इधर उधर, फॉन्ट इधर उधर। तो ऐसा नहीं, 80% लोग ना मोबाइल से देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपका मोबाइल व्यू है वो भी एज इट इज अच्छा रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके ब्लॉग डिजाइन में लोग, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कंटेंट क्वालिटी कंटेंट के बारे में। ये करने के बाद थोड़ा सा आप अपने ब्लॉग डिजाइन पे एक नजर मार लीजिए कि ये सारी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से भी लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है ना, तो ये गलतियां नहीं करना। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्लॉग निश के बारे में। देखो अभी जो समय है ना वो है स्पेसिफिक निश का, ब्रॉड निश का टाइम अब नहीं रह गया। गूगल जो है ना इतने सारे एल्गोरिथम अपडेट ला दिया है गूगल ने कि अब आपको गूगल रैंकिंग भी चाहिए ना तो आपको ईट पे वर्क करना है। ईट आपको पता है, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब हर एक इंसान किसी एक फील्ड से जुड़ा होता है, चाहे वो बचपन से उसका इंटरेस्ट हो या फिर जॉब के बाद उसका एक्सपीरियंस हो या एक पूरे लाइफ एक्सपीरियंस हो, उसका नॉलेज हो, है ना, वो किसी ना किसी एक फील्ड से जुड़ा होता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं फाइनेंस से जुड़ी हूं क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन में MBA फाइनेंस किया है, प्लस मैंने बैंकिंग में जॉब किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, प्लस मुझे बिजनेस का अच्छा नॉलेज है क्योंकि मैंने बिजनेस भी किए हैं, है ना। ग्राउंड लेवल से उठ के मैंने काफी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ काफी बिजनेस रन किए हैं, तो मुझे कस्टमर एक्विजिशन कैसे करते हैं, यूजर बिहेवियर क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग क्या होती है ना, ये सारी चीजें मुझे आती है, मुझे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है। तो ये देखिए ये मेरा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे मुझे फाइनेंस का, बिजनेस का और ब्लॉगिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का ये सब इंटरेस्ट है क्योंकि शायद मैं इतने सालों से इन्हीं चीजों से घिरी हुई हूँ। तो ऐसा ही आपको जो निश चूज करनी है वो ब्रॉड निश नहीं चूज करनी, हर इंसान को हर चीज नहीं आती है। मुझे अगर आप बोलेंगे कि तुम होम डेकोर में बना लो, मुझे नहीं आता है होम डेकोर। अगर आप बोलोगे कि तुम जाके क्रिप्टो करेंसी पे बना लो, क्रिप्टो करेंसी तो चलो फाइनेंस है, आप बोलोगे क्रिकेट भी बना लो, मैं एक शब्द नहीं लिख सकती हूँ क्रिकेट के बारे में, मुझे स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप मुझे कुछ ऐसी निश बोल दोगे जो मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है तो मैं नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट से बाहर है। तो देखिए एक इंसान हर एक चीज में एक्सपर्ट नहीं होता है, आपको वो निश चुननी है जो आपके लिए है। और अभी जो टाइम है वो है सिंगल निश के और माइक्रो निश का। आपको किसी एक टॉपिक के बारे में अपना ब्लॉग बनाना है तब आपको मिलती है उस पे अथॉरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नॉलेजेबल बंदा अगर उस चीज को लिखेगा और एक ऐसा बंदा जो सिर्फ पढ़ के पैसे कमाने के लिए आर्टिकल लिख रहा है, बहुत डिफरेंस है और गूगल को सब समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, एक अपनी निश में स्टक हो जाना है। अब लोग क्या करते हैं कि बना लिया उन्होंने फाइनेंस पे, है ना, फाइनेंस पे उनका ब्लॉग है, मैंने देखे हैं ब्लॉग, मैं आपको बता रही हूँ फाइनेंस पे उनका ब्लॉग है। अब फाइनेंस पर ब्लॉग है, सीख ब्लॉगिंग रहे, फाइनेंस वाले ब्लॉग में वो लिख रहे हैं ब्लॉग कैसे बनाएं, है ना, SEO कैसे करें, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करें। तो भाई ऐसा मत करो, जो आपका निश है ना आप उसी पर आर्टिकल लिखो। गूगल खुद कहता है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक पे है, मतलब उसे भी तो समझ आना चाहिए कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपके ब्लॉग को किस कैटेगरी में रखा जाए सो दैट वो उस ऑडियंस को दिखाए, ठीक है, और आपके ब्लॉग में वो किस तरह की एड दिखाएगा। अगर आप ही बटे हुए कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखोगे तो वो एडवर्टाइजर को भी तो फायदा नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि एक निश लेना है, सिंगल निश ले लो, माइक्रो निश ले लो। माइक्रो निश कैसे रिसर्च करना है वो मैंने अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो मेथड से आप माइक्रो निश क्या होती है समझ जाओगे और कैसे फाइंड करना है वो भी समझ जाओगे। तो आपको एक सिंगल निश में काम करना है, उस निश में क्या करना है, 3 से 4 कैटेगरी बना लेना है, ये मैं बता रही हूँ गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। उस निश में आपको क्या करना है, 3 से 4 कैटेगरी बना लेना है, ठीक है, 3 से 4 कैटेगरी में आपको कम से कम 4-4, 5-5 पोस्ट लिखना है। अब मैं आपको बोल रही हूँ गूगल एडसेंस के लिए 20 से 22 पोस्ट लिखना है आपको, ठीक है, 20 से 22 पोस्ट लिखना है, मतलब डिवाइड कर लो, अगर आपके पास 4 कैटेगरी है तो हर एक पोस्ट में 5-5 पोस्ट तो आई जाएंगी, है ना, 5 कैटेगरी है तो 3-3, 4-4 पोस्ट आ जाएंगी, लेकिन किसी भी कैटेगरी को खाली नहीं छोड़ना है, हर एक कैटेगरी में 3-3, 4-4 पोस्ट होनी चाहिए, कोई भी कैटेगरी खाली नहीं होनी चाहिए, नो आर्टिकल अदर देन निश, जैसे कि मैंने बताया कि जो निश है जो आपने उसी निश से रिलेटेड कैटेगरी बनानी है और उसी से रिलेटेड आपको आर्टिकल लिखना है, उससे बाहर नहीं जाना है। बी स्टक ऑन निश, वही बात हो गई,
हाँ, अब मैं एक आपको बहुत अच्छा पॉइंट बताती हूँ जो आपको 110% अप्रूवल लेने में मदद करेगा, और गूगल एडसेंस भी भाग भाग के आपको एडसेंस अप्रूवल देगा। भाई गूगल भी पैसे कमाने बैठा है और वो पैसे कमाने ही बैठा है। हाँ, लेकिन वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने यूजर एक्सपीरियंस को खराब नहीं करता, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपको क्या लगता है कि गूगल बहुत महान है तो सिर्फ अच्छे लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहता है? वो लोगों के लिए अच्छा कंटेंट इसलिए प्रोवाइड करना चाहता है क्योंकि उसके यूजर ही उसके कस्टमर है, और उन्हीं बेसिस पे वो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी है और वो पैसे कमा रही है ना? तो वो चंद पैसों के लिए यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगा, उसे अपने यूजर एक्सपीरियंस को मेंटेन करना है, इसलिए गूगल सालों से आज खड़ा है, ठीक है। लेकिन लेकिन यूजर गूगल खुद पैसे कमाने के लिए है, तो आपको क्या करना है कि जो कीवर्ड, जैसे कि आपकी कोई निश है, उस निश में आपको देखना है प्रॉफिटेबल कीवर्ड और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड डिवाइड कर लेना है। आपको क्या करना है, जैसे कि हाउ टू वाले होते हैं ना, कैसे करें, कैसे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, ऑफ कोर्स आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड लिखने हैं, लोगों को जानकारी देनी है, फ्री में इन्फॉर्म करना है। लेकिन उसमें जो कमर्शियल कीवर्ड है, जिस पे एक्चुअल एडवर्टाइजर बैठे हैं, उन कीवर्ड्स पे भी कम से कम 3-4-5 आर्टिकल लिखने हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल को दिखेगा प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिटेबल ब्लॉग को गूगल एडसेंस अप्रूवल बहुत जल्दी मिलता है। ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा, हाउ टू आर्टिकल लिखो, हाउ टू पे, कैसे बनाए, इन्फॉर्मेशनल, ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशनल लिखना है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशनल गूगल के कैसे फायदेमंद है ना? ये लो वैल्यू कंटेंट सिर्फ यूजर के लिए नहीं है, ये लो वैल्यू कंटेंट गूगल के लिए भी है। भाई गूगल के लिए क्या फायदा मिल रहा है आपके ब्लॉग से, कौन से एडवर्टाइजर आपके ब्लॉग पे दिखाएगा वो? तो आपकी निश में जो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कमर्शियल कीवर्ड पर भी आपको 4-5 आर्टिकल लिख देने हैं बहुत अट्रैक्टिव तरीके से, आपको भाग भाग के गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। ये ट्रिक मैं पूरी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसके बाद आगे सुनते हैं। आगे क्या करना है आपको, आपको अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट कर लेना है अच्छे से। इससे क्या होता है आपकी आइडेंटिफाई क्लियर हो जाती है, यहाँ पर आपको अपना साइट मैप भी क्लियर मतलब सबमिट कर देना है, आपको गूगल एनालिटिक्स में सबमिट कर लेना है। इसके बाद आपको जब अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें ना, तो कोड पेज प्रॉपर करें। कुछ लोग ना कोड पेज प्रॉपर नहीं करते, साइट किट से कनेक्ट कर देते। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि साइट किट को कम यूज करें। अगर आपको कोड पेस्ट करना नहीं आ रहा तो आप किसी वीडियो से सीख लें, मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे बनाई है। लेकिन साइट किट से कनेक्ट ना करें, साइट किट में थोड़ी सी मोनोपोली आ जाती है, फिर आपकी ब्लॉग को डिस्टर्ब करती है। तो गूगल एडसेंस से प्रॉपर आप क्या करें, अप्लाई करें, कोड पेस्ट प्रॉपर करें, सही तरीके से अपने ब्लॉग को कनेक्ट करें। तो आप सही तरीके से कनेक्ट होगा तो प्रॉपर तरीके से आपका ब्लॉग जो है वो क्रॉल हो पाएगा, और क्रॉल हो पाएगा तो आपको एडसेंस, आपका ब्लॉग मतलब प्रॉपर चेक होगा और आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहती हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनको भी आप सुन लीजिए, सो दैट आपको लो वैल्यू कंटेंट से आजादी मिल जाएगी। यू विल गेट रिड फ्रॉम लो वैल्यू कंटेंट। शुरुआत में देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आज मैंने डोमेन खरीदा, ठीक है, आज मैंने डोमेन खरीदा, 2 दिन लगते हैं मुझे, मतलब एक ही दिन लगता है प्रॉपर सेटअप करने में, मैक्सिमम 2 दिन बताती हूँ आपको, 2 दिन लगता है मुझे प्रॉपर सेटअप कर लेती हूँ मैं, प्रॉपर पूरा डिजाइन विजाइन सारी चीजें सेटअप कर लेती हूँ। उसके बाद 3रे दिन से मैं आर्टिकल लिखती हूँ, 15-20 दिन तक मेरे मतलब डेली एक आर्टिकल लिखती हूँ, तो मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर मेरे पास 20 आर्टिकल हो जाते हैं। 20 आर्टिकल होते ही मैं एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल देती हूँ। मैं डालती 15-16 के बाद हूँ, 15-16 आर्टिकल मेरे हो जाते हैं, मैं एडसेंस अप्रूवल डाल देती हूँ, और पर डे बेसिस पे वो जो 20 आर्टिकल थे 4 ड्राफ्ट में रहते हैं। जब एडसेंस अप्रूवल के लिए जाता है ना मेरा ब्लॉग, तो मैं पर डे बेसिस पे एक एक मतलब आर्टिकल पब्लिश करती रहती हूँ, तो गूगल एडसेंस को लगता है ये ब्लॉग एक्टिव है ना। तो इस तरह से 28-30 दिन तक मुझे जो रिप्लाई आता है ना, वो एडसेंस अप्रूवल का कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल होता है। मतलब आज डोमेन खरीदा, आज से 28 दिन मेरा रिकॉर्ड है, 28 दिन में भी मैंने एडसेंस अप्रूवल लिया है। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आप मोनेटाइज प्रॉपर्टी बना सकते हो, ब्लॉग एक एसेट है, मोनेटाइज एसेट जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका ब्लॉग तैयार होता है, सिर्फ 20 दिन की मेहनत करनी है, ईमानदारी से उसके बाद आपको जो करना है करें। तो 20 दिन
तक आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप AI कंटेंट को यूज ना करें। इसके बाद आपको करना है करें, ना करना है नहीं करें, क्योंकि यहाँ मैं एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको समझा रही हूँ। एडसेंस अप्रूवल लेना है तो AI कंटेंट ना यूज करें। 10 में से 2 ब्लॉग अप्रूव हो जाते हैं AI वाले कंटेंट से, वो 2 ब्लॉग शोर मचा देते हैं और उसमें से वो 8 लोग हमेशा पिसते रहते हैं, बार बार रिजेक्शन लेते हैं। तो जिन जो मेथड मैंने बताई है 10 में से 10 ब्लॉग अप्रूव होंगे, है ना, तो आप इसी मेथड पे जाइए, उस मेथड पे मत जाइए जो आंख बंद करके तीर चलाना और निशान लगाना वाला काम है। AI कंटेंट में मैं आपको बोल रही हूँ 10 में से 2 ही लोग अप्रूव होते हैं, 8 लोग अप्रूव नहीं होते, वो लास्ट में ब्लॉग छोड़ के चले जाते हैं लेकिन अप्रूव नहीं होते। वो 1 महीने ईमानदारी से काम कर लेते हैं, वो 1 महीने में एडसेंस अप्रूवल कर लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट के चक्कर में 5-5, 6-6 महीने परेशान रहते हैं, लेकिन उसका होस्टिंग भी खराब होता है, डोमेन भी खराब होता है, समय भी खराब होता है ना, और उनको एडसेंस भी नहीं मिलता है। तो वो काम मत करें, ना आप AI कंटेंट लिखें, ना स्पिन करें और ना ट्रांसलेट करें, ये तीनों चीजें आप ना करें, है ना। आप क्या करें, आप ऑर्गेनिक मतलब अपनी ईमानदारी से खुद से सिर्फ 20 आर्टिकल तो लिखने हैं, 4-5 घंटे ईमानदारी से काम करें पर डे बेसिस पे, 20 दिन में 20 काम हो जाएंगे, इतना पेशेंस रख लें, बहुत पैसे कमाने वाले हैं ब्लॉग से, है ना। तो इतना पेशेंस रख के खुद से लिखें, ये 3 घंटे ना लिखें। इसके बाद क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कमर्शियल कीवर्ड पे आर्टिकल लिखें जिस पे एडवर्टाइजर अपनी एड चलाते हैं, ऐसे कीवर्ड पर कुछ आर्टिकल लिखें, आपको भाग भाग के अप्रूवल मिलेगा क्योंकि आपका ब्लॉग गूगल के लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है क्योंकि उस पे एडवर्टाइजर अवेलेबल है। इसके बाद जो भी आर्टिकल लिख रहे हो हाई क्वालिटी, पिछले पार्ट देख लीजिए, इसी में मैंने आपको बताया हाई क्वालिटी कैसे लिखना है। इसके बाद सिंपल थीम यूज करें, जनरेट प्रेस मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, इसके बाद जो आपको सिंपल सी थीम लग रही है वो यूज कर लें। होस्टिंगर यूज कर लीजिए, बहुत अच्छी होस्टिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नए ब्लॉगर्स के लिए तो सबसे अच्छी है, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसमें डिस्काउंट कूपन भी मैंने दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक पे जाओगे और दिया हुआ डिस्काउंट कूपन यूज करोगे ना तो आपको उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो होस्टिंगर आप यूज कर लें और मेरी होस्टिंग से करेंगे तो मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए मैं आपको थैंक यू लिख दूंगी। तो आप जाके लिंक से होस्टिंग परचेज कर लीजिए, डोमेन आपको फ्री मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन भी मैंने दे के रखा है। इसके बाद जब आप गूगल एडसेंस अप्लाई करने जाएं, याद रखें अगर आपने पहले से अप्लाई करके रखा है तो उस डिवाइस से ना करें, एक नए डिवाइस से करें, किसी नए फोन से करें, नया मोबाइल नंबर यूज करें और एक नई मेल आईडी यूज करें, सब कुछ अलग अलग से अलग करें, डुअल एडसेंस का एरर आ जाता है नहीं तो, है ना। तो आप बिल्कुल अलग से अलग मेल आईडी, डिवाइस और मोबाइल नंबर यूज करें, एक इंसान को एक ही एडसेंस मिलता है। अब आपने एक मेल आईडी से साइन अप कर लिया, उससे नहीं मिला, दूसरा मेल आईडी बना उससे साइन अप कर लिया, दोनों क्रैश हो गई, अब आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपने पहले से कर लिया है तो उन सबको क्लोज कर दीजिए। अब मेल आईडी खोलेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वहां से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देंगे तो आपका एडसेंस अकाउंट डिलीट हो जाता है ना। वो वैसे करके भी आप डिलीट कर लीजिए सारे अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, और उसके बाद आप न्यू मेल आईडी बनाइए, न्यू मोबाइल नंबर लीजिए, और फिलहाल तो अप्लाई कर रहे हो तो किसी भी नाम से अप्लाई कर दो, फिर वेरिफिकेशन के टाइम पे आप नाम चेंज कर सकते हो और प्रॉपर एड्रेस वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। अगर वैसा नहीं जा रहा तो जो आप अपना पैन कार्ड उठाइए, पैन कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन एज इट इज जैसी दी है, बिल्कुल एज इट इज इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपना एडसेंस अप्लाई करें और अथॉरिटी बन जाती है और आपको मतलब अप्रूवल मिल जाता है। तो ये सारे काम करने से, मैंने देखिए काफी मेहनत की आपके इस ब्लॉग में, ये सारे काम करने से आपका 110% लो वैल्यू कंटेंट का एरर सॉल्व हो जाएगा। जिसका सॉल्व हो जाए, जिसको एडसेंस अप्रूवल मिल जाए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताएं कि भाई मैम मुझे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, मेरा लो वैल्यू कंटेंट सॉल्व हो गया। इससे क्या होगा, आप अपना साइट का नेम मत बताएं, है ना, स्पैमिंग हो जाती है। आप लेकिन मैसेज करके बताएं कि मेरा अप्रूवल हो गया, जिससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा जो निराश हो रहे हैं, है ना। हर इंसान ब्लॉग इसलिए बनाता है, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है, अपनी जिंदगी को नॉर्मल आसान जीना चाहता है, अपने जीवन के स्ट्रगल को खत्म करना चाहता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता किसके पीछे क्या मजबूरी और कौन इंसान कैसे काम कर रहा है। तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करो
और सभी मिलके पैसे कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल से पैसा आएगा, दुनिया कमा रही है, सबको कमाने दो, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ब्लॉग के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करो। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।